दोस्तों, ताकत वो चीज है जो किसी भी जानवर या इंसान के पास आ जाए तो वो उसे अंधा बना देती है। यही वजह है कि धरती पर मौजूद कुछ ताकतवर जानवर दूसरे कमजोर और अपने से छोटे जानवरों पर हावी होने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन कई बार ये ताकतवर जानवर अपनी ताकत के नशे में डूबकर किसी गलत दुश्मन से लड़ाई मोल ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं मिलता। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 10 जानवरों के बारे में जानेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, मैंटिस। मैंटिस कीड़ों की एक नस्ल है। जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये बहुत ही डरावनी शक्ल बनाकर अपने शिकार को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इन्हें लगे कि मुसीबत से बचने के लिए इनकी ये टेक्निक काम नहीं आएगी, तब ये छोटा सा कीड़ा इंतहाई गजबनाक हो जाता है और अपने से बड़े और खतरनाक शिकारियों को भी मात दे सकता है। जैसे इस छिपकली को ही देखिए, जो मैंटिस का शिकार करने इसके पास आती है। ऐसे में मैंटिस ने छिपकली के अपने पास आते ही अपने पैरों से उसका मुंह जकड़ लिया और एक ही बार में उसका जबड़ा काट कर उसे जख्मी कर दिया और वो घायल छिपकली सिवाय फड़फड़ाने के कुछ भी ना कर सकी। इतना ही नहीं, मैंटिस सांप जैसे खतरनाक रेप्टाइल्स को भी अपने पंजों में जकड़ कर मार सकती है, जैसा कि आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने से छोटे और कमजोर को कभी भी खुद से कम मत समझिए, वरना नतीजा बहुत ही भयानक भी हो सकता है। नंबर 2, कमोडो ड्रैगन हंटिंग मंकी। दोस्तों, बंदरों की, शैतानियों और दूसरे जानवरों को तंग करने की आदत से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन जून 2021 के दौरान इंडोनेशिया के रिंका आइलैंड पर ये बंदर एक कमोडो ड्रैगन के साथ मस्तियां कर रहा था, जिसे ये गलती इतनी महंगी पड़ी कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कमोडो ड्रैगन ने बंदर का हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया और कुछ ही सेकंड बाद कमोडो ड्रैगन के दूसरे साथी भी उसके पास पहुंच गए और सबने मिलकर कुछ ही मिनटों में बंदर को कच्चा निगल लिया। बंदर को अपने किए की जो सजा मिली वो हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन ये नजारा अगर कोई दूसरा बंदर देख ले तो शायद वो अपनी जिंदगी में किसी से भी पंगा लेने का सोचेगा भी नहीं। नंबर 3, इलेक्ट्रिक ईल एंड एलिगेटर। इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक मगरमच्छ तालाब में मौजूद एक इलेक्ट्रिक ईल का शिकार करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इलेक्ट्रिक ईल लगभग 860 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है, जो उसकी जान तक ले सकता है। ऐसे में मगरमच्छ ने जैसे ही उस पर हमला किया, वैसे ही इलेक्ट्रिक ईल ने अपना 860 वोल्ट का करंट का झटका उसे मारा। मगरमच्छ की किस्मत अच्छी थी कि उसने वक्त पर ही उसे छोड़ दिया और फौरन वहाँ से भाग निकला। अगर इसने वक्त पर इलेक्ट्रिक ईल को ना छोड़ा होता तो इसके साथ क्या होता, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में भी एक मगरमच्छ ने एक इलेक्ट्रिक ईल पर हमला किया, लेकिन यहाँ मगरमच्छ उसे अपने मुंह से ना निकाल पाया और लगातार करंट लगने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। नंबर 4, हनी बैचर। अगर आप सोचते हैं कि जानवर ही गलत दुश्मन से पंगा लेकर पछतावे का शिकार हो सकते हैं, तो जरा नाइजीरिया के शहर अबूजा में जून 2019 के दौरान हुए इस वाक्य पर भी नजर डाल लीजिए। हुआ कुछ यूं कि अबूजा के कुछ लोग सर्कस दिखाकर लोगों की दांत बटोर रहे थे। ये लोग सांप, बंदरों और दूसरे जानवरों के साथ हनी बैजर को भी साथ लाए थे, लेकिन सर्कस वाले ये बात भूल गए थे कि हनी बैजर दुनिया के सबसे गुस्से वाले, खूनख्वार, लड़ाकू और ना डर जानवरों में से एक है। हनी बैजर शेर जैसे माहिर शिकारी के भी घुटने तक टिकवा सकता है। ऐसे में जैसे ही सर्कस वाले ने तमाशा शुरू करते ही हनी बैजर की पीठ पर थप्पड़ मारे, वैसे ही हनी बैजर गुस्से में आ गया और वो इस शख्स पर हमला करने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। इस शख्स की किस्मत अच्छी थी कि हनी बैजर ने वक्त पर ही उसे थूक दिया और इस शख्स को बिना काटे रुक गया, वरना ये जानवर खतरनाक से खतरनाक जानवर तक को नहीं छोड़ता। नंबर 5, हाइनास किलॉइन। दोस्तों, जंगल के कायदे भी अजीब हैं। यहाँ कब शिकारी शिकार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही माहिर शिकारी होता है, मगर हम बचपन से यही बात सुनते आ रहे हैं कि इत्तफाक में बरकत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक शेरनी हाइनास का शिकार करने आती है, लेकिन वो हाइनास यानी लगड़भगों के झुंड में खुद फंस जाती है। लगड़भगे एक जिद्दी जानवर है, जब भी अपने किसी शिकार के पीछे पड़ जाते हैं तो उसकी जान लिए बिना उसे नहीं छोड़ते। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे वो शेरनी को नोचते हैं और बिलाखिर उसकी जान ले लेते हैं, और इसी को जंगल का कानून कहते हैं। नंबर 6, एलिफेंट किल्स क्रोकोडाइल। हाल ही में अगस्त 2021 के दौरान जैम्बिया के लुआंगवा रिवर में ये वाकया देखने को मिला। हुआ कुछ यूं कि हाथियों का झुंड तालाब के पास घूम रहा था। उन्हीं में से एक हथनी तालाब के अंदर
पानी पीने के लिए पहुंच गई और तभी एक मगरमच्छ उसका शिकार करने के लिए उस पर हमला करता है। मगर यहाँ मगरमच्छ की शायद किस्मत खराब थी कि हथनी ने बजाय डर कर भागने के उसकी पूंछ को पकड़कर उछाल उछाल कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद हथनी ने मगरमच्छ को अपने पैरों तले कुचलकर मार दिया। नंबर 7, कैट वर्सेस शीप। बिल्लियों के हर जगह पर उंगली करने की आदत से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अपनी फुर्तीली बॉडी की वजह से बिल्लियां हर जगह पंगा लेती हैं और बचकर भाग भी निकलती हैं। लेकिन मई 2017 के दौरान नॉर्वे के फर्दल में भेड़ों के एक तबेले में बिल्ली को ऐसा करना काफी महंगा पड़ा। यहाँ हुआ कुछ यूं कि भेड़ों के तबेले में एक बिल्ली आती है और एक भेड़ के बॉक्स पर चढ़कर उसे मारना शुरू कर देती है। बिल्ली की ये हरकतें काफी देर तक बंद नहीं होती। भेड़ को बिल्ली की इन हरकतों पर काफी गुस्सा आ रहा था, मगर वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि बिल्ली उसके हाथ भी नहीं आ रही थी। लेकिन आखिर एक मौका भेड़ को भी मिला। बिल्ली ने नीचे उतरने के लिए मुंह पीछे घुमाया, बस फिर क्या, भेड़ ने मौका न गवाते हुए बिल्ली के पछवाड़े पर एक शॉट दे मारा और नीचे गिरा दिया। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने बिल्ली को काफी ढूंढा, मगर बिल्ली का कोई पता न चला। बिल्ली को जो मजा उस दिन मिला उसके बाद शायद ही वो कभी इस तबेले में आई हो। नंबर 8, बियर वर्सेस वायर। भालू काफी ताकतवर और खतरनाक जानवर है। भालू कुछ एक जानवरों को छोड़कर दुनिया के हर एक जानवर को मार दे सकता है। लेकिन अगस्त 2015 के दौरान कैलिफोर्निया के मेंडोसिनो में एक भालू ने किसी जानवर के साथ नहीं बल्कि एक बेजान चीज पर अपनी जोर आजमाई की, जिसके चलते उसको सवाए पछताने के कुछ भी हाथ ना लगा। यहाँ हुआ कुछ यूं कि भालू वाटर टैंक के साथ बने वुडन फेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नजर टैंक के साथ जुड़ी एक हैवी वायर पर गई और वो उसे खींचने लगा। खींचने की वजह से वो वायर टूट गई और सीधी भालू की टांगों के बीच जा लगी। वायर से भालू को इतनी जबरदस्त चोट लगी कि वो वायर लगने के कुछ ही देर बाद जमीन पर ढेर हो गया और डर से कराहने लगा। नंबर 9, हॉर्स वर्सेस डॉग। दोस्तों, कुत्ते अक्सर घोड़े या गधे को देखकर भौंकना और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। घोड़ा बेचारा मासूम जानवर सवाए खुद को बचाने के और कुछ नहीं कर पाता, मगर अप्रैल 2021 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक पिटबुल नस्ल के उसेल कुत्ते ने सड़क पर चल रही घोड़ा गाड़ी पर हमला बोल दिया, जिसका पछतावा उसे जल्द हो गया। कुत्ते ने जैसे ही हमला किया, घोड़े ने आगे के दोनों पैरों से अपना बचाव शुरू कर दिया। कुत्ते को घोड़े से लात भी पड़ी, मगर अभी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई थी और वो लगातार घोड़े पर हमले करता रहा। कुछ ही देर बाद वो घोड़े की पिछली टांगों के बीच आ गया। घोड़े ने मौका न गवाते हुए उसे जोर की लात दे मारी। ये लात खाने के बाद कुत्ते को कहां जोर से लगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद वो दूर जाकर खड़ा हो गया। ठीक इसी तरह की एक और वीडियो में कुत्ता घोड़े पर मुसलसल हमले कर रहा होता है और घोड़ा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद घोड़े ने कुत्ते को अपने मुंह से जकड़ लिया। ये तो कुत्ते की किस्मत अच्छी थी कि पास ही मौजूद लोगों ने कुत्ते को घोड़े के मुंह से छुड़वा दिया, वरना शायद घोड़ा कुत्ते की जान भी ले सकता था। नंबर 10, येलो थ्रोटेड मार्टिन वर्सेस मंकी। मई 2018 के दौरान भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रिकॉर्ड हुए इस क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक बंदर ने अपने से छोटा जानवर समझ के येलो थ्रोटेड मार्टिन नस्ल के नेवले से लड़ाई मोल ले ली। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंदर नेवले को कितना लाइट ले रहा है, मगर नेवले के एक ही वार में बंदर जमीन पर ढेर हो गया और नेवला उसे गर्दन से पकड़कर घसीटता हुआ झाड़ियों की तरफ बढ़ा। तभी उसका साथी भी वहां पहुंच गया और बंदर को झाड़ियों में ले गए। बंदर नेवले को खुद से छोटा और कमजोर समझने की गलती कर बैठा और अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज का पार्ट 2 भी बने तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।